सातवां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर होगा विधानसभा के। अगला प्रश्न है, श्रीमती वसुंधरा राजे राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री थी? इसका उत्तर होगा 18वीं। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा बरकतुल्ला खान। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा कब भंग करता है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री मध्य रही? इसका उत्तर होगा 2003 से 2008 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 156 बराबर राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होते हैं राज्य विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में 30 अगस्त 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका उत्तर होगा 4 बार। अगला प्रश्न है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? इसका उत्तर होगा 160 सदस्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? इसका उत्तर होगा राम नायक। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में कब विलय हुआ? इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 200। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए? इसका उत्तर होगा 4 से 24 जनवरी 1952 तक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा श्री बरकतुल्ला खान। अगला प्रश्न है, मंत्रियों के कितने वर्ग होते हैं? तो मंत्रियों के 3 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में एकमात्र ऐसे विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते हैं वह कौन है? तो वह श्री हरिदेव जोशी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा श्री नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम क्रमशः कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका होगा उत्तर 60 और 500 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की कौन सी महिला मुख्यमंत्री है? तो यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनी। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद प्रथम निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा श्री टिक्काराम पालीवाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? इसका उत्तर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा श्रीमती सुमित्रा सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा व्यवस्थापिका। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? इसका उत्तर होगा व्यवस्थापिका के। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर होगा सीनेट और प्रतिनिधि सभा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान को मंत्रिमंडल में स्थान मिला? इसका उत्तर होगा कमला बेलीवाल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा है? तो वर्तमान में राजस्थान में 15वीं विधानसभा है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका उत्तर होगा लाल सिंह रंकावत को। अगला प्रश्न है, प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है,
राजस्थान विधानसभा की कौन सी विधानसभा में 2 सदस्य सीटों की संख्या की गई थी? इसका उत्तर होगा 36 विधानसभा में। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार ईवीएम में नोटा बटन की व्यवस्था कौन से विधानसभा चुनाव के दौरान की गई थी? इसका उत्तर होगा 14 विधानसभा चुनाव में। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की एकमात्र सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी 5वीं विधानसभा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? इसका होगा आईडी दुआ। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर होगा 40। अगला प्रश्न है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? इसका उत्तर होगा 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? इसका उत्तर होगा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान के राज्य प्रमुख थे? इसका उत्तर होगा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा? तो यह अनुच्छेद 164 में होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी? इसका उत्तर होगा श्रीमती नगेंद्र बाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा पूर्व निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व भंग कर दिया गया था? इसका उत्तर होगा 6वीं और 9वीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर होगा के वर्मा। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा 29 अगस्त 1949 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ हमारे जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई? तो यह प्रथम लोक अदालत कोटा में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 223 से अनुच्छेद 237 तक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 214 में। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा जॉर्ज मसीहा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचित आयोग का गठन हुआ था? इसका उत्तर होगा जुलाई 1994 को। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचित आयोग है, यह होगा 1 सदस्यीय। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचित आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य निर्वाचित आयोग संविधान के 243वें संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचित आयोग का गठन निम्न में से किन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था? इसका उत्तर होगा 73वां 74वां, इसमें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचित आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।